दिल्ली में आरजेडी के महामंथन के दूसरे दिन तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव की ताजपोशी हुई। पार्टी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उदय नारायण चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का ऐलान किया। इस दौरान लालू यादव का पुराना अंदाज दिखाई दिया। भाषण के दौरान उन्होंने एक कार्यकर्ता की गलती पर उसे हड़काया। बाद में तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब हम लोग उठते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी छापा मारती है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट होना है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी क्षेत्रीय दलों की एकजुटता पर जोर दिया और सीधे तौर पर बीजेपी के विरोध और समर्थन की बात की। उन्होंने कहा कि या तो बीजेपी के पक्ष में रहिए या फिर उनका विरोध कीजिए। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में पास हुए तीनों प्रस्तावों पर राष्ट्रीय परिषद ने मुहर लगाई। दरअसल आरजेडी का यह खुला अधिवेशन था जिसमें कई राज्यों के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलते हैं और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब यह काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? हमारे में वह छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे जैसे यहाँ छापा जाता है थाने पर जाए, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। अभी आप लोग एक बात समझ गए, हमारा पार्टी है, महागठबंधन है। कभी कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी जो लड़ाई है, उसको हम लोगों को देखना है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? कटोरा स्टेडियम में आयोजित राजद के खुले अधिवेशन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जमकर गरजे ही नहीं, बरसे भी। हालांकि सपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन का असर राजद के इस खुले अधिवेशन में भी दिखा। और यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने मुलायम सिंह यादव को महान समाजवादी नेता बताया। और लालू प्रसाद ने तो यह भी कहा कि नीतीश कुमार के कहने को उन्होंने कहा कि बिहार में मुलायम सिंह यादव के निधन पर राजकीय शोक हो। यानी कि लालू प्रसाद यादव यह जताने में नहीं चूके कि अभी भी वो समाजवादियों के एक छत्र नेता हैं और नीतीश कुमार की सरकार उनके इशारे पर चलती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस अधिवेशन के बहाने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। लेकिन 12वीं बार लालू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लालू प्रसाद की तो ताजपोशी हुई है, लेकिन इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया और इस सम्मेलन में राजनीतिक जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसे यह साफ जाहिर है कि लालू के बाद उनकी विरासत पर तेजस्वी का ही कब्जा होगा। यानी कि तेजस्वी को वह सारे अधिकार मिल गए हैं
जो लालू प्रसाद यादव के पास थे, इस तरह से आप कह सकते हैं कि केवल सरकार में ही नहीं संगठन में भी अब लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी ही सर्वे सर्वा बन गए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी को लेकर के किस तरह चलते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने जिस उम्मीद से या इस कहिए कि जिस मंशा से इस अधिवेशन की तैयारी की थी वह पूरी होती दिख रही है, और समूचे देश से राजद के 26 राज्यों से जो प्रतिनिधि आए उन्होंने इस बात को माना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, नई दिल्ली।